नमस्ते दोस्तों, बच्चों के प्रति लैंगिक आकर्षण पीडोफिलिया, इसके बारे में मैं आज ये वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो ये आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ हमारे दो हॉस्पिटल है। एक हॉस्पिटल में हम रिश्तेदारों के साथ में पेशेंट को भर्ती करते हैं, दूसरे हॉस्पिटल रिश्तेदारों के अलावा पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं। काफ़ी सारे सेक्स के प्रॉब्लम लेके लोग आते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन करते सेक्स के बारे में और उनका जीवन वो अच्छा कर लेते हैं। ये जो पीडोफिलिया है, बच्चों के प्रति लैंगिक आकर्षण, ये जो पीडोफिलिया है, लैंगिक आकर्षण, इसके लिए एक तो वो खुद व्यक्ति हमारे पास में आएगा या उसको लाया जाता है। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने उसके कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं कि इसको डायग्नोस कैसा करना। तो जिसके ऊपर वो लैंगिक अत्याचार हो रहा है या लैंगिक जिसके प्रति है लैंगिक आकर्षण, वो 13 साल के नीचे होना चाहिए। जिसको ये पीडोफिलिया है वो 16 साल के ऊपर होना चाहिए और दोनों के बीच में कम से कम 5 साल का डिफरेंस होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, और कंटिन्यूस ये 6 महीने तक चलता है तो फिर उसको पीडोफिलिया बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है कि ये जो बड़ा वाला जो व्यक्ति है, जो बालक के ऊपर, बच्चों के ऊपर अत्याचार करता है या लैंगिक आकर्षण जिसके प्रति है, उसको एक तो वो किसिंग करना मतलब चुंबन लेना, उसके पर उसके साथ में सेक्स करना, उसके लैंगिक पार्ट्स को हाथ लगाना, खेलना उसके साथ में, या उसको टच करना अलग अलग जगह पे जहाँ से उसको मज़ा आता है, तो इसमें वो किसके मतलब किसके सामने करेगा, तो ऐसा करेगा कि भाई बच्चों के ऊपर वो प्यार कर रहा है, या अकेले में करेगा तो फिर वो प्राइवेट पार्ट को भी हाथ लगा के करता है या फिर सेक्स करता है। अभी ये जो पीडोफिलिक पेशेंट है जिसको लाया हमारे तरफ, एक तो उसको फिर गिल्ट फीलिंग होता है, उसका सेक्स लाइफ खराब रहता है क्योंकि उसको बच्चों के प्रति आकर्षण है, फिर पत्नी के तरफ नहीं रहता, आगे चल के प्रॉब्लम आ सकते हैं उसके मैरिड लाइफ में। अच्छा, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ये पकड़े गया तो पुलिस केस हो सकती है, ये आगे चल के होमोसेक्सुअल भी हो सकता है, समलैंगिक वो भी हो सकता है, आगे चल के स्त्री के प्रति उसको आकर्षण ही रहेगा नहीं, तो ऐसे प्रॉब्लम उसको आ सकते हैं। इसका वर्क प्लेस में वो इफेक्ट हो जाता है, सोशल फंक्शनिंग ठीक नहीं रहता है, बाकी इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ेपना इसको रहता है, और बाकी भी ऐसा लगता है कि नॉर्मल नहीं, कुछ तो भी गड़बड़ है, कुछ तो भी प्रॉब्लम है ऐसा लगता है। तो ये जो है, ये तो व्यक्ति लाए, इसको तो प्रॉब्लम है, इसका इलाज हो सकता है चाहे तो। जिसके ऊपर हुआ अत्याचार, वो मैंने अलग अलग वीडियो में बताया गया है कि जिसको ऊपर ये लैंगिक आकर्षण या लैंगिक मतलब सेक्स किया है, उसको एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा बैठा रहता है कि उसको मालूम नहीं रहता क्या हो रहा है। तो वो छोटा रहता है, उसको लगता है कि कुछ तो भी हो रहा है, वो उसका विरोध करते रहता है या विरोध नहीं करता। वो बच्ची भी रह सकती है या लड़का भी रह सकता है, मतलब लड़की भी रह सकती है, लड़का भी रह सकता है। वो आगे चल के उनको प्रॉब्लम आता है क्योंकि उनको एक सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, उनको मानसिक आघात हो जाता है और आगे चल के उनको कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है। वो उसका अलग पार्ट है, वो सेकंड पार्ट है। मगर पीडोफिलिया जो है, जिसको लाया गया है साइकेट्रिस्ट की तरफ, सेक्सोलॉजिस्ट की तरफ, उसका इलाज करना जरूरी है। उसमें एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो OCD, उसके लिए जो दवाई दी जाती है वो भी दवाई हम इसमें देते हैं, इसका काउंसिलिंग करते हैं, इसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं संबोधन में, और वो करके उसको देखते हैं कि भाई बचपन में ऐसा क्या हुआ कि इसको ऐसा लैंगिक आकर्षण बच्चों के प्रति चालू हुआ, वो देखते हैं और उनका फिर इलाज वो तरह से करते रहते हैं, काउंसलिंग से, साइकोथेरेपी से, और कुछ दवाई थोड़े बहुत प्रमाण में दवाई देते हैं। अच्छा, ये लोग जल्दी डायग्नोस भी नहीं होते क्योंकि ये बाहर आते नहीं जल्दी, ओपन होते नहीं है, और ये ऑफेंस जब हो जाता है तब एक्सपोज हो जाते हैं। तो ये जब लोग बोलते नहीं है सोशल स्टिग्मा के कारण, तो हमारा ये फर्ज है कि हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी देंगे ना, तो लोग खुद होकर फिर डॉक्टर के पास चले जाएंगे। इसलिए आपको रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप शेयर करो सब, उसमें आपके फेसबुक के ग्रुप के ऊपर, व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर, ताकि लोग वो देखेंगे, सुनेंगे और अपने अपने साइकेट्रिस्ट की तरफ उसका इलाज कर सकेंगे यदि वो है उनको प्रॉब्लम। तो लोग हमको भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन काउंसिलिंग हम देते हैं लोगों को, और ऑनलाइन काउंसिलिंग करके, साइकोथेरेपी करके उनका इलाज हम कर सकते हैं, यहाँ अकोला में आ सकते हैं। हमारा जो मिशन है वो सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत है। इसमें भी आपका हाथ लग जाएगा, आप हमको अलग अलग जगह इनवाइट कर सकते हैं, लायंस में, रोटरी में, आपके समाज में, जहाँ भाषण देके लोगों का एजुकेशन कर सकते हैं।
ये वीडियो आप देखेंगे आपको अच्छा लगा, आप देख रहे हैं आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आप जब लाइक करते हैं हमारा उत्साह बढ़ता है नए नए वीडियो बनाने में, और बेल आइकॉन आता है ना उसके ऊपर क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।